दोस्तों चीता यकीनन दुनिया का सबसे तेज और फुर्तीला जानवर है क्योंकि ये काफी तेज गति से दौड़ता है। लेकिन बुरी बात ये है कि चीता की आबादी अब पूरी तरह खतरे में आ गई है। लेकिन जब बात आती है चीते की तो ये क्या इतना खतरनाक है कि ये एक शेर को टक्कर दे सके, क्योंकि शेर बहुत ही बड़ा व शक्तिशाली होता है और शेर से लड़ना अच्छे अच्छों को भारी पड़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम चीता और शेर से जुड़ी काफी सारी जानकारियां जानेंगे और अंत में ये भी जानेंगे कि चीता और शेर में से कौन ज्यादा पावरफुल है और इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो यहाँ पर विजेता कौन होगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीते की। दोस्तों चीता अब पूरी दुनिया में गिने चुने बचे हैं। भारत समेत एशिया के सभी देशों से चीते पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। हालांकि ईरान में अभी भी कुछ चीते बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ से ये कब विलुप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, अफ्रीका में अभी भी चीते मौजूद है, लेकिन इनको संरक्षण की बहुत आवश्यकता है क्योंकि अफ्रीका में पाए जाने वाले चीतों की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। इसके पीछे कई कारण है, जिनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि शेर, लकड़बग्घा, तेंदुआ और अफ्रीकन वाइल्ड डॉग जैसे शिकारी कुत्ते इनके शावकों को बड़े होने से पहले ही मार देते हैं, जिस कारण भी इनकी जनसंख्या वृद्धि में भारी गिरावट आ रही है। तो दोस्तों अब चीते की शारीरिक विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। चीते का शरीर लंबा होता है और इनके पैर भी बहुत लंबे होते हैं और इन्हीं लंबे पैरों की मदद से इनको तेज गति मिलती है। जब चीता अपनी फुल स्पीड में दौड़ता है तो इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और इसके दौरान चीते के पैर भी ज्यादातर हवा में ही रहते हैं। अगर इनके वजन की बात करें तो चीता 40 से 60 किलोग्राम तक भारी होता है और लंबाई के मामले में लगभग 1.1 मीटर तक लंबा होता है। तो यहाँ पर हमने चीते के बारे में काफी सारी जानकारियां ली और अब हम जानेंगे शेर से जुड़ी कुछ जानकारियां। दोस्तों शेर बहुत ही ताकतवर और खतरनाक शिकारी होता है और शेर ज्यादातर बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि शेरों के प्राइड बहुत बड़े होते हैं जिनका पेट भरने के लिए ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शेर उतना बड़ा शिकार करते हैं जिससे कि पूरे झुंड का पेट आसानी से भर जाए। नर शेर बहुत कम ही शिकार करते हैं और वो ज्यादातर टाइम आराम फरमाते हुए बिताते हैं, लेकिन शिकार करते समय शेर गजब की फुर्ती दिखाते हैं क्योंकि अपने शिकार का लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा करते हैं और ये ऐसा करने से पहले दबे पांव शिकार के नजदीक पहुंचते हैं और फिर अचानक शिकार पर हमला कर देते हैं। शेर के वजन की बात करें तो शेर का वजन 240 किलोग्राम तक होता है और ये 2.5 मीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन शेरों का जबड़ा चीते के जबड़े के मुकाबले कई गुना बड़ा और मजबूत होता है जिससे कि ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चीता और शेर के बारे में काफी सारी जानकारियां ली और यहाँ पर लगभग सभी बातों में चीते के मुकाबले शेर कई गुना आगे हैं, इसलिए चीता पर शेर आसानी से भारी पड़ेगा और कई बार शेर के द्वारा चीता का शिकार करते हुए देखा गया है। दोस्तों चीता शेर से दौड़कर अपना बचाव तो कर सकता है, लेकिन वह शेर से लड़कर कभी जीत नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर विनर एक शेर ही होगा। वैसे आपका इस फाइट के बारे में क्या कहना है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।